हेलो क्लास सिक्स, हमने सिस्टम में पढ़ा था चैप्टर 4 क्रिएटिंग हार्मनी। तो हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, समझा था। आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे, आज हम एक्सरसाइज को समझेंगे कोर्स बुक को। तो लेट्स ट्राई। वन है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट। ए कंट्री कैन ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल द थिंग दैट इट नीड, देयरफॉर इट डज नॉट नीड टू डिपेंड ऑन द नेशन अदर नेशंस। तो कह रहे हैं कि एक कंट्री है वो सारी चीजों को प्रोड्यूस करती है, वो दूसरे नेशंस पे डिपेंड नहीं रहती। फॉल्स रहती है, एक कंट्री सारी चीजों को डिपेंड सॉरी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, प्रोड्यूस नहीं कर सकती। नेबर कंट्रीज नीड टू शेयर वाटर ऑफ द कॉमन रिवर फ्लोइंग थ्रू देम। तो कह रहे हैं नेबर कंट्री जो है वाटर को शेयर करती है। थ्रू ए कंट्री शुड मेक लॉ टू हार्म द ट्रेड ऑफ द अदर कंट्रीज। एक कंट्री दूसरे कंट्री को हार्म पहुंचाने के लिए लॉ बना सकती है? नहीं। फॉल्स। डी है इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू लिव पीसफुली विदाउट अवर नेबरिंग कंट्रीज। क्या जो नेबरिंग कंट्री के लिए पीसफुली शांतिपूर्वक बनाए रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है? फॉल्स, जरूरी है। फाइटिंग विद अदर कंट्रीज विल स्टॉप द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। कह रहे कि अगर आपस में कंट्रीज के आपस में फाइटिंग होती रहेगी तो इस तरीके से कंट्री का क्या प्रोग्रेस होगा? फाइटिंग विद अदर कंट्रीज विल स्टॉप द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। सॉरी, ये कह रहा है कि अगर जो फाइटिंग विद अदर कंट्रीज विल स्टॉप, जो लड़ाई झगड़ा अगर हम रोक दें तो कंट्री का क्या होगा, नेशन का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। टू लिस्ट टू में है लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस ऑफ द नेशन फ्लैग फिगर टू आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द कंट्री दे बिलोंग टू द स्पेस प्रोवाइड। तो यहाँ देखिए बच्चों, कुछ जो है फ्लैग दिया हुआ है जो है इनका नाम लिखना है। तो जो फर्स्ट ए है वो इंडिया का है, बी जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, सी जो है पाकिस्तान का और डी जो है श्रीलंका का है। दूसरा क्वेश्चन है नाउ लुक एट द फ्लैग गिवन इन फिगर 3 केयरफुली विद इन पेयर्स डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस एंड शेयर द आंसर विद द क्लास। तो ये फिगर 3 दिया हुआ है, इसी की क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट कैन बी सी इन द सेंटर ऑफ फ्लैग सो। तो कह रहे ए वर्ल्ड मैप कैन बी सीन इन द फ्लैग सोन इन फिगर 3। फिर क्वेश्चन बी है हाउ इज द सिंबल ऑन द फ्लैग सोन इन फिगर 3 डिफरेंट फ्रॉम द सिंबल ऑन द अदर फ्लैग इन फिगर 2। जो फिगर 2 में है वो कैसे डिफरेंट है? तो ये है अदर फ्लैग सो सिंबल लाइक स्टार मून व्हील और लायन विच हैव नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड। सी है विच वन ऑफ दीज फ्लैग स्टैंड फॉर अ यूनाइटेड एंड पीसफुली वर्ल्ड। हाउ डू यू नो दैट। क्या जो फ्लैग है वो क्या पीसफुली दिखा रहा है? पीसफुली होना चाहिए। द फ्लैग सो इन फिगर 3, जो फ्लैग 3 दिखाया है फिगर में, स्टैंड फॉर यूनिटी एंड पीसफुली, एकता और शांति पूर्वक संसार वर्ल्ड में होना चाहिए। एज वर्ल्ड मैप कैन बी सीन इट, इसे शो कर रहा है। इट्स इज सराउंडेड बाय अ लाइव ब्रांचेस विद द स्टैंड फॉर पीस। जो लाइव ब्रांच बना हुआ है, ये पत्तियां जो बनाई है, ये पीसफुली का है बना हुआ है। डी ए टू विच कंट्री डज द फ्लैग सोन इन फिगर बिलोंग। द फ्लैग इज नॉट ऑफ एनी कंट्री बट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNA का है ये फ्लैग। लिस्ट है थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स। द UNA वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर बी में द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इंडेड विद द ड्रॉपिंग ऑफ एटम बॉम्ब। जो एटम बॉम्ब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहाँ कहाँ पे उन्होंने किस कंट्री पे गिराया था? तो गिरा हिरोशिमा है और नागासाकी है। फिर सी है द मेन एम ऑफ द UNA इज टू कीप। तो जो मेन एम है UNA का वो क्या है? वर्ल्ड पीस, मतलब वर्ल्ड में क्या करना है, उन्हें शांति बना के रखना है। द हेडक्वार्टर ऑफ UNA इज इन, जो हेडक्वार्टर UNA का वो कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में है। सेकेंड क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन क्या है? द UNA इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस पीस एंड कॉपरेशन एमंग नेशंस। तो जो UNA का ये काम है कि एक राष्ट्र दूसरे जो नेशंस और कंट्रीज में डिपेंडेंट्स रहे और पीसफुली और कॉपरेशन के साथ हेल्प के साथ क्या करना है, काम करे। वाई वॉज द UNA फॉर्म्ड, UNA का गठन क्यों किया गया था? द UNA UNO वॉज फॉर्म टू कीप पीस इन द वर्ल्ड, संसार में क्या शांति बना के रखना है। फिर लिस्ट 4 राइट द 4 मेन
ends of the union. तो जो राइट फेयर फोर मेन्स ए है यू एन ए का उसे बताओ हमें. तो फोर एम है मेंटेन द वर्ल्ड पीस, फिर सेकंड है हेल्पिंग कंट्रीज डेवलपमेंट फ्रेंडली रिलेशन विच ईच अदर, हेल्प द कंट्रीज वर्क टुगेदर टू प्रूव द नीड्स ऑफ द पुअर सिक एंड द अनएजुकेटेड. पुलिस हमने ने चैप्टर पढ़ा था कि जो पुअर है उनके लिए देखभाल करना, एजुकेशन की व्यवस्था करना, भोजन प्रोवाइड कराना. फिर द पीस कीपिंग, सेकेंड क्वेश्चन है वॉट इज द पीस कीपिंग फोर्स. तो पीस कीपिंग फोर्स क्या है? द पीस कीपिंग फोर्स इज एन आर्मी ऑफ अ सोल्जर फ्रॉम द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द यूएनए. जो यूएनए की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, कुछ भी कहीं वॉर या ऐसा कुछ होता है तो अपने आर्मी सोल्जर को भेजते हैं. द यूएनए सेंड इन इट टू नेशंस वेयर देयर आर वॉर्स. लेट्स ट्राई फाइव है मैच द फॉलोइंग. तो मैच द फॉलोइंग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरफ जो शॉर्ट फॉर्म में है और एक तरफ जो है फुल फॉर्म दिया, तो उसको क्या करना है मैच करना है. फोर का क्या मतलब होता है? फ्रीडम फ्रॉम हंगर. इसको फ्रीडम फ्रॉम हंगर से मैच करेंगे. फिर यूनिसेफ का है वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, डब्ल्यू एच का है हेल्थ ऑफ पीपल, आई एल ओ का है कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास, और ई का है यूनेस्को का है एजुकेशन साइंस एंड कल्चर से मैच करेंगे. तो बच्चों ये आपका जो लिस्ट आया है वो समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, और मैं आज के नेक्स्ट जो आपका है प्रैक्टिस के बारे में समझाऊंगी. क्लास अब हम जो फीटिंग आर्मी चैप्टर फोर है प्रैक्टिस के बारे में जो एक्सरसाइज उसके बारे में हम समझेंगे. तो माय टर्न वन में है फिल इन द ब्लैंक्स. द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंडेंट मेनली बाय ट्रेड. जो कंट्रीज है वो डिपेंड रहती है इस पे बाय ट्रेड. फिर अनफेयर कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज एंड लॉ दैट हैव बैड इफेक्ट ओवर ट्रेड ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज माई लीड टू वॉर. माई टर्न टू में है लुक एट द इमेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड राइट द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ द वॉर. तो जी गए जो फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ये पिक्चर दिखा होगा उसके बारे में आप लिखिए कुछ. इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स फर्स्ट एंड सेकेंड. द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स कास्ट लॉट ऑफ द डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में क्या करें तो बहुत सी चीज़ों को बर्बाद किया था. मैनी टाउन्स एंड सिटीज वेर डैमेज. जो टाउन्स और सिटीज थे वो डैमेज हो गए थे. मैनी पीपल डाइड इन दीज वॉर्स एंड द सेवरल चिल्ड्रन बिकम ऑर्फन. बहुत से क्या हुए थे जो लोग थे लोगों अपनी जान गंवा दिए थे और बच्चे जो थे ऑर्फन मीन्स होता अनाथ हो गए थे. हाउसेज वेर डिस्ट्रॉयड इन अ लार्ज नंबर एंड पीपल फोर्स टू लीव इन द ओपन हॉस्पिटल्स वेयर फुल ऑफ दीज इंजर्ड ड्यूरिंग द वॉर्स. तो जो हॉस्पिटल्स में तो जो जख्मी घायल थे पूरे समझिए वहाँ भरे हुए थे. इस तरीके से ये वर्ल्ड वॉर था जो चीज़ों को नुकसान किया था. माई टर्न थर्ड में है उसमें आप पेरेंट्स को गाइड करना ये एक्टिविटीज के बारे में बताना है. माई टर्न फोर में है आपको रीड इज द सिचुएशन एंड राइट द नेम्स ऑफ द स्पेशल एजेंसी ऑफ द यूएनए इन द स्पेस. जो यूएनए की जो स्पेशल एजेंसी 15 थी उसमें सबने से 5 पढ़ा था, 5 दिया हुआ था. तो उसके बारे में दिया हुआ है और उसको आपको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में. इट हैज डिक्लेयर द ताजमहल एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ओवरसी दैट द मोन्यूमेंट डज नॉट गेट डैमेज. तो ये किसका काम है? जो वर्ल्ड ताज जो ताजमहल है ये जो है वर्ल्ड की हेरिटेज है. तो जो भी अगर नुकसान होता है, नुकसान ना हो किसी तरीके से, तो किस कौन देखता है? ये यूनेस्को देखता है. और इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है. फिर इट आज द मेंबर स्टेट टू मेक श्योर दैट द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स इज बीइंग टेकन केयर ऑफ द वर्क प्लेस. तो ये किसका काम है? जो जो वर्ल्ड के जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए कौन करता है? तो आई एल ओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. फिर सी है इट इज हेल्पिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन ट्रेबल्स एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन. तो ये किसका काम है? जो एजुकेशन वगैरह जो स्ट्रीट चिल्ड्रन जो सड़कों पर रहते हैं उनका जो क्या काम है? यूनेस्को का काम है. डी फार्मर ऑफ एलोवेरा यूज ओल्ड मेथड ऑफ फार्मिंग एंड दियर क्रॉप्स ऑफ्टन फेल्ड टू द सन डिसीज. दे नीड एक्सपर्ट हेल्प.
तो ये किसका काम है? जो फार्मर है वो पुराने जो चीजें उपकरण उनको यूज करते हैं, जिससे जिसके कारण जो खेती होती है थोड़ा सा डिस्ट्रॉय, थोड़ा क्या बहुत डिस्ट्रॉय हो जाती है, और डिसीज और जो होते हैं कि पेड़ों में भी बीमारियां हो जाती हैं, लग जाते हैं कीड़े मकोड़े। तो उसके लिए क्या करना है, दे नीड एक्सपर्ट हेल्प, उनको एक्सपर्ट हेल्प की जरूरत है। तो इसका ये कौन करता है, तो एफओ जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी देख रेख करती है। ये है, इट इज हेल्पिंग द गवर्नमेंट ऑफ, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, इट इज हेल्पिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द रिमूवल ऑफ द पोलियो। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका ये काम था कि जो पोलियो है उसको मतलब जड़ से खत्म करना, समाप्त करती है। इसका काम WH का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। फिर नेक्स्ट है मार्टन 5 में, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। द हेडक्वार्टर ऑफ ए है, द हेडक्वार्टर ऑफ द UNA इज इन रोम। तो UNA के जो हेडक्वार्टर वो रोम में है, नहीं, फॉल्स। बी है, द UNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द रोड ऑफ योर टाउन रिपेयर। क्या UNA का काम है ये जो रोड वगैरह जब टूट फूट जाते हैं उसको रिपेयर करना है, नहीं, फॉल्स। द मेन एम ऑफ द UNA इज टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। तो UNA का जो क्या जो काम है वो मेन है, जो नेचुरल डिजास्टर होता है उसमें हेल्प करना। UNA की एजेंसीज का जो है, जो हमने 5 एजेंसीज पढ़े थे अभी, उनका काम है उनमें से। तो यहाँ भी फॉल्स ही होगा। डी है, ILO का हेल्प द वर्कर इज गेटिंग बेटर जॉब। ILO जो है, ILO जो है, क्या ये जो वर्कर्स है उनको जो बेटर जॉब्स दिलाने का है काम, तो नहीं, फॉल्स। ई है, FO हेल्प इन द रिमूविंग हंगर फ्रॉम द वर्ल्ड। तो इनका ये काम है कि जो वर्ल्ड से हंगर भुखमरी को हटाना, समाप्त करना, तो ट्रू। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव पीस इन द वर्ल्ड, क्यों इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड में पीस। वॉर्स कॉज अ लॉट ऑफ द डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग टू पीपल। तो जो वॉर्स होते हैं उससे बहुत सी चीज़ें नुकसान हो जाती है और लोगों को बहुत ही कष्ट से सफर करना पड़ता है। ये दे ऑल्सो स्टॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और जो है एक राष्ट्र का भी, नेशंस का भी, लोगों का भी क्या होता है, डेवलप और ग्रोथ जो है रुक जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव पीस इन द वर्ल्ड, इसलिए जरूरी है संसार में शांति। थर्ड क्वेश्चन है, राइट वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज ऑफ द UNA। तो एक कार्य के बारे में लिखना है आपको, जैसे WH का दिया हुआ है, WHO का दिया हुआ है, इट्स हेल्प इन कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन डिसीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में महामारी फैलती है तो उसको क्या करना, कंट्रोलिंग करना है। तो बी है, यूनेस्को का, इट हेल्प्स नेशंस वर्क टुगेदर इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। तो इसका क्या काम है, एजुकेशन साइंस के क्षेत्र में इनका ये काम है कि लोगों को हेल्प करना, ठीक, और एजुकेशन वगैरह भी प्रोवाइड कराना। तो थैंक यू बच्चों, आपका जो कोर्स वो प्रैक्टिस खत्म हो गए हैं और कुछ भी नहीं समझ में आता तो हम मुझसे जरूर